सर हम ये भी कह सकते हैं कि एल्बो में पेन इसलिए आया क्योंकि स्पिन की एनर्जी वीक थी, हाँ ये भी या कह सकते राइट राइट वेरी गुड। इसमें इसलिए आया कि कई कारण है, अगर एल्बो की एनर्जी वीक है तो यहाँ सकता केवल एक कारण नहीं है, वो भी कारण है, लेकिन उसके अलावा आपने बहुत ज्यादा इससे काम ले लिया तो भी आपको वहां सकता है लोकल रप्चर हो गया, किसी ने चोट मार दिया तो भी हो सकता है, हेरिडिटरी आपको एनर्जी अगर पेरेंट से वहां पर नहीं मिला था, पर्टिकुलरली फादर को भी था, वो हेरिडिटरी ट्रांसफर होने के समय में वो एनर्जी आपको ट्रांसफर नहीं हो पाया प्रॉपरली, मदर स्ट्रेस में थी उसका एनर्जी स्लो डाउन हो गया, मुंह में छाले हो रहे हैं क्या करें वहां पर है, एक उदाहरण समझते हैं, मुंह में छाले पड़ रहे, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, छाले का कौन उसको छाले कर सकता है, पेट में गर्मी कर रही है, मुंह कहाँ का, मुंह का रिफ्लेक्शन पेट का है, तो पेट के अंदर में हीट एनर्जी के बढ़ने, हीट एनर्जी कैसे बढ़ा, आप मिर्ची के खाए, चाट खाए, पकौड़े खाए, ये ज्यादा से ज्यादा आपने खाया, उसके हिसाब से आपने पानी नहीं पिया होगा, या उसके साथ आइसक्रीम आपको खाना चाहिए था, अभी भी आपने नहीं किया, इसका उपचार क्या लें, आप स्टोमेक कुछ नहीं, स्टोमेक का रिफ्लेक्स पॉइंट पर आप प्रेशर दे दीजिएगा, वहां से भी आपका उपचार हो जाएगा, इसके आधार पर उदाहरण में पूछ रहा हूँ, इसके आधार, अच्छा इसके आधार पर, इसके आधार पर आप स्टोमेक में आ जाइए, ठीक है ना, स्टोमेक में आए तो इसका मतलब है कि कहाँ पर आ गया, लेफ्ट में, यहाँ लेफ्ट फिंगर में ये वाला आ गया स्टोमेक का, आ गया ना, अब इस ज्वाइंट के चारों तरफ चेक कीजिए, कहीं कहीं आपको दर्द मिलेगा, उस पर लेकर के रगड़ दीजिए, बस वहाँ ठीक है। सर आपके हिसाब से बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, मैग्नेट सीड और निडल, अगर देखिए प्रॉप से हमने ये ढूंढ लिया है कि स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, हाँ ठीक है, सिंपल एज दैट, प्रॉब्लम इन्होंने कहा कि मुंह में छाले हैं, दैट द थिंग इज रिलेटेड टू स्टमक, ठीक है, ऑर्गन हमने ले लिया, पॉइंट हमने ढूंढ लिया, ठीक है, अब ये जनरली जो बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि सीड ले, मैग्नेट ले या निडल, या कलर लगा दे या क्या लगा, या कलर लगा दे, तो ये कैसे डिसाइड करना चाहिए, गुरु आप बताइए, ये आप लोग हैं, चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या करना है, द बेस्ट ऑप्शन क्या है, देखिए इसमें द बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप पहले तो प्रोब से चेक करके वहां पहुंच गए, वहां पर आपको एक या दो मिनट तक नेसेसरली एक्यूप्रेशर से आपको स्टिम्युलेशन कर देना चाहिए, एक से दो मिनट आपने कर दिया, वहां पर आपने 70-90% रिजल्ट वहां पहुंचा दिया, ठीक कर दिए, उतना कर, उतना आपको करना चाहिए, इट इज योर ड्यूटी इफ यू आर ए गुड थेरेपिस्ट, है ना, प्रैक्टिशनर, अब आप उस पर क्या किए कि सीड लगा दीजिए, अगर कलर का कॉन्शसनेस है कि आपको लगता है कि इन्फ्लेमेशन है तो चलो काला वाला लगा देते हैं, या लगता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्शन है तो लाल वाला लगा देते हैं, अगर कलर कॉन्शसनेस है तो लगा दिया, नहीं कॉन्शसनेस है तो बहुत अच्छा सीड जो कि जर्मिनेटिंग कैपेसिटी हो उस पर लगा करके टेप से बांध दीजिए, अब उसको दिन भर लगा रहेगा, मैग्नेट तो उसको कहिएगा कि 2 घंटे में हटा भी देना है, बट सीड आपने लगा दिया तो दिन भर वो लगा रह गया, अब शाम में पेशेंट कहेगा कि बिल्कुल ठीक हो गया, इसमें एक्चुअली क्या है ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, पहले आप फंडा समझिए तब जाकर के हम बोल देना भूल जाइए, हम जानते हैं ट्राई और जिन पढ़ाने का मेरा मतलब ही यही है कि जिंदगी के बारे में पहले फंडा आप जानिए ना, आपको कह देता है कि नहीं सब झूठ नहीं बोलना, चाहे कोई ऐसा करता है कि झूठ नहीं बोलता, क्योंकि आपको फंडा मालूम नहीं है सत्य बोलने का, जब आपको फंडा मालूम हो जाएगा सत्य बोलने का तो फिर आप झूठ क्यों बोलेंगे, समझ गए ना, कोई भी चीज इस दुनिया में वो मैंने लोग दूसरे को कहते हैं, भगवान बुद्ध ने बहुत सारी चीजों का कहा ये नहीं करना चाहिए, वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक आपको वाणी होना चाहिए, वो चीज कह दिया, बट को करते हैं आप नहीं करते हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं, क्योंकि या तो उसको देखिए, या तो भगवान बुद्ध के तरह से बहुत मेडिटेशन कर लीजिएगा तो खुद ब खुद आपको ऐसा आ जाएगा कि आप शांति से बात करेंगे, एक, या नहीं तो आप ट्राई और जिनकी समझ हो जाएगी तो आपको लगेगा कि अरे गलत क्यों करें, ऐसे ही करने से सारा चीज ठीक ठाक रहेगा, तो आप गलत नहीं करेंगे, तो दोनों में से कुछ नहीं करेंगे तब आप दूसरे की बात को मानेंगे, भगवान बुद्ध की किताब को उल्टेंगे कि ये कहा है तो ऐसे करो, ये कहा हो, लेकिन आपको करके छोड़ देंगे, गांधी टोपी नेता लोग पहनने लगे सब मंत्री बनते चले गए, अब गांधी टोपी पहनने का क्या मतलब है, गांधी
जिसे क्या मतलब, उनके आचरण को क्या करना चाहिए, ये फंडा तो आपको पता नहीं चला। तो मैं आपको सारा का फंडा ही बता रहा हूँ, ट्रायल जिनका भी फंडा और सुजोग का भी फंडा। उसमें आपको मैंने कहा कि आप प्रेस कर दीजिए क्यों ऐसा हो गया, यू मस्ट आस्क इट। आपने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये दो मिनट जो आप उस जगह पर करेंगे ना स्टोमेक का एनर्जी के लिए, वहां पर जब प्रेशर देंगे तो यहाँ पर प्रेशर से जो स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेटिंग यानी कि एक्टिव यानी कि हेट्रो एनर्जी, दिस विल बी ट्रांसफर टू स्टोमेक एंड देयर वाइल इट विल बी ट्रांसफर टू द माउथ एंड इट विल एक्ट लाइक एट दैट पॉइंट। एक दूसरी बात, जब आप सीड लगा करके वहां छोड़ देंगे तो सीड का एनर्जी वो खींचता रहेगा। तो जो जितना फायदा हुआ पेशेंट को वो फायदा मेंटेन रहेगा, शाम तक मेंटेन रहेगा, जब तक वो लगा रहेगा तब तक वो खींचता रहेगा। जब तक एक अमीर आदमी आपके साथ है, वो खर्चा कर रहा है, तो आपको तो निश्चिंत है, जब वो हट जाएगा तभी दिक्कत होगी। उसी तरह से जब आपने स्टिमुलेशन करके एनर्जी का रिस्पॉन्स आपने न्यूट्रलाइज कर दिया वहां पर, और उसके बाद जब आपने कलर या कुछ लगा दिया या सीड लगा दिया